आने वाले ईद उल फितर की नमाज को लेकर कांग्रेस लीडर फराजुल इस्लाम जैदुल इस्लाम के जेरे निगरानी में वाहिद अली फातेह खानी साहब के घर पर हागरगा रोड के खमराबाद मोहम्मदी ईदगाह कमेटी मीटिंग रखी गई थी, जिसमें ईद उल फितर की नमाज का वक्त तय किया गया। नमाज ठीक 9:30 बजे अदा की जाएगी और इमाम रहेंगे तनवीर अशरफी साहब। ईद उल फितर की नमाज के लिए मोहम्मदी ईदगाह की साफ सफाई का इंतजाम इफ्तिखार अफजल सेक्रेटरी और आजम अली की जिम्मेदारी पर किया जा रहा है और फराजुल इस्लाम जैदुल इस्लाम ने ईदगाह में पानी लाइट का इंतजाम करने का वादा किया है। ये सभी इंतजाम के लिए खमराबाद मोहम्मदी ईदगाह का इंस्पेक्शन किया गया। इस मौके पर अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ, नायब सदर इफ्तिखार अफजल सेक्रेटरी, मुश्ताक साहब रिटायर्ड ADEE, वाहिद अली फातेह खानी, आजम अली कॉन्ट्रैक्टर मौजूद थे। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। गुलबर्गा के तमाम मुसलमानों को इत्तला दी जाती है कि ईदगाह मोहम्मदी खमराबाद हागरगा रोड पर ईदुल फितर के दिन ईदुल फितर की नमाज इंशाअल्लाह 9:30 बजे अदा की जाएगी और इस ईद पर मौलाना तनवीर हाशमी अशरफी साहब जो है ना यहाँ पे ईद की नमाज़ अदा करेंगे और ईद के इंतज़ाम के सिलसिले में जनाब फराजुल इस्लाम साहब की सदारत में एक अहम मीटिंग वाहिद अली फातेह खानी साहब के घर नूरबाग पर 2 दिन पहले मुनक्किद की गई, जिसमें तमाम इंतज़ाम के बारे में जिम्मेदारी को देते हुए तमाम मेंबरों से ख्वाहिश की गई कि वह इंतज़ाम बखूबी यहाँ पर अंजाम दें। इस सिलसिले में यहाँ पे ईदगाह के मैदान का जो साफ़ सफाई का काम है हस्बे साबिखा इफ्तिखार अफजल और आज़म अली साहब को दिया गया है, जिनकी निगरानी में यहाँ फिलखत सफाई का काम ज़ोरों पे चल रहा है। उसी के साथ साथ हमारे जो है ना जैदुल इस्लाम और जो है ना फराजुल इस्लाम साहब पानी का और जो है ना फ़र्श का और तमाम लाइट का इंतज़ाम करने का भी वादा किया है। इस सिलसिले में मैं तमाम मुसल्लियान से जो गुजारिश करता हूँ कि वक्त मुकर्ररा पर ईदगाह पर पहुँचे, वहाँ पर तमाम लोगों के लिए पानी का वजू के पानी का भी इंतज़ाम रहेगा और पीने के पानी का भी इंतज़ाम रहेगा और नमाज इंशाअल्लाह ठीक 9:30 बजे अदा की जाएगी, क्योंकि ये साल धूप ज़्यादा है, लोग इंतज़ार नहीं कर सकते। बिला ताखीर हम इंशाअल्लाह ठीक 9:30 बजे नमाज अदा करेंगे। मैं गुलबर्गा के खासकर हमारे ज़ुबैर कॉलोनी हागरगा रोड के अतराफ़ और आज़ादपुर रोड के अतराफ़ तमाम कॉलोनियों के तमाम अहबाब से बिलखसूस गुजारिश करता हूँ कि ईदगाह मोहम्मदी खमराबाद में नमाज ईद अदा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज खमराबाद ईदगाह के लिए इंस्पेक्शन के लिए हम तमाम जो टीम है हमारी इंतज़ामिया यहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए आए और इसमें आज आकर देखने के बाद जो हमारे जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर और ये जो फराजुल इस्लाम साहब की सदारत में एक मीटिंग हुई थी जिसमें ज़िम्मेदारी का काम हमें सौंपा गया था, ख़ासकर ईदगाह के अंदर सफाई का काम जो हर साल इफ्तिखार आज़म की तरफ से जो सफाई का काम होता है और जैसा कि वज़ू का पानी तमाम ज़िम्मेदारियाँ यहाँ के जो उन्होंने पूरे करते हैं मुकम्मल, इस मरतबा भी उन्होंने काम को अंजाम देने का वादा किया है। और मैं इस वक्त तमाम जो यहाँ के जितने भी मुसल्ली हैं नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह जो आते हैं रहमत नगर, यहाँ का जो मिल्लत नगर है और आपका रोज़ा मोमिनपुरा बुलंदपरवाज इस्लामाबाद कॉलोनी, तमाम लोगों से अदमन गुजारिश है कि हम ठीक 9:30 बजे जमात को कायम करें हैं। आपसे यही गुजारिश है कि 9:30 के अंदर आप ईदगाह पे पहुंचिए। और एक मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ख़ासकर यहां के जो इमाम साहब जो ईद की नमाज़ पढ़ा रहे हैं तनवीर अशरफी साहब, लास्ट टाइम भी उन्होंने ही पढ़ाया था, इस मरतबा भी उन्होंने पढ़ा रहे हैं, फिर एक मरतबा आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि वक्त पर आइए और नमाज 9:30 बजे ठीक अदा होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।